VL. Phasor diagram, as the name suggests, it is a type of diagram. Diagram yani basically ye ek graph hai. Is chapter mein thoda sa humne alag alag bahut karke padha. Mixture lagta hai thoda. Kabhi kabhi complex current ka jo equation hai, wahan par aaya tha ek word that was complex plane. Remember? Yes. Complex plane. Kya plot karte hai uske upar? What we plot on a complex plane? Impedance. Impedance mein do component aata hai. Real component aur ek imaginary component. If you talk about LCR, तो real में क्या होता है resistance और imaginary में क्या होता है omega L minus 1 upon omega C. दो तरह का line होता है, एक horizontal line और एक vertical line. Horizontal को real axis बोलते हैं और vertical को क्या बोलते हैं imaginary axis. तो ये था impedance को किस तरह से complex plane में plot करना. अब आज की क्लास में एक नया वर्ड आ रहा है, that is your phasor diagram. Phasor means nothing but a type of rotating vector of voltage and current. यानी कि voltage और current के बीच में संबंध बताने वाला एक तरह का graph. कौन? Phasor diagram. Impedance हम किस पर plot करते हैं? Complex plane पर. और जब आप voltage और current को कहीं पे plot करते हो, when you plot voltage and current in AC circuits, then there is a different type of graph which is called your phasor diagram. चमका मैंने क्या बोला? थी पकड़ लो खाली कि जब वोल्टेज और करंट को कहीं पे रिप्रेजेंट किया जाए एसी सर्किट का, तो एक स्पेशल टेक्निक है ग्राफ का व्हिच इज कॉल्ड योर फेजर डायग्राम. लेट्स सी वन बाय वन. वेरी इजी टॉपिक. एंड एट द एंड ऑफ द टॉपिक, एट द एंड ऑफ द सेशन, यू विल रियलाइज कि अरे सर, इंपेडेंस और ये तो एकदम एक जैसा ही है. ये बात याद रखना, आपको रियलाइज होगा. ओनली रजिस्टर की डियर अगर हम बात करते हैं, तो ओनली रजिस्टर में ये जो लाइन है फेजर डायग्राम के अंदर, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहां पर हर बार कौन होगा? कैपिटल आई. और इसी लाइन पर आपका वोल्टेज भी होगा, और एक इसके अंदर वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाती है. जैसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन में दो लाइन था, ऐसे ही इसमें भी दो लाइन होगा. वन इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल पे कौन प्लॉट होगा? करंट. और वर्टिकल पे कौन प्लॉट होगा? वोल्टेज. लेकिन ये क्या है? रेजिस्टर. तो रेजिस्टर पे जिधर करंट, वहीं पर क्या? वोल्टेज. ऐसा क्यों? बिकॉज फॉर ओनली रेजिस्टर देयर इज नो फेज डिफरेंस. क्या ये वर्ड याद आ रहा है? Yes. आपको पहले बताया था वैसा ही है. देयर इज नो फेज डिफरेंस का मतलब डेल्टा क्या है? जीरो. और डेल्टा अगर जीरो है तो करंट और वोल्टेज एक ही एंगल पे चल रहे हैं. एक ही एंगल पे चल रहे हैं, तो जिधर करंट वहीं पे क्या? वोल्टेज. तो डेल्टा जीरो, ये हो गया रेजिस्टर के लिए. सेकेंड, सेकंड क्या बना सकता हूं मैं? ओनली इंडक्टर. सो इफ आई राइट ओनली इंडक्टर, तो डियर स्टूडेंट थिंक अबाउट इट, ये है आपके लिए फिक्स कि क्या हो गया? आई. अब वोल्टेज रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे ओमेगा एल यहां पर आता था और वन अपॉन ओमेगा सी नीचे आता था, तो ओमेगा एल ऊपर होने की वजह से ऐसा सोच लिया गया कि यहां पर वोल्टेज होगा और इसको रिप्रेजेंट कर दो वी एल से. यहाँ डेल्टा कितना वाला? डेल्टा इज इक्वल टू पाई बाई टू. तो देखिए इसको ऐसे लिखा जाता है, वोल्टेज लीड्स वाइल करंट लैग्स. ये क्या है? वोल्टेज लीड्स और करंट लैग्स. तो जब मैं ऐसे यहां पर जाऊंगा वोल्टेज के पास, तो मेरा वोल्टेज लीड हो रहा है, बढ़ रहा है. किससे? करंट से. कितने एंगल से? पाई बाई टू. And if I talk about this current, then clearly you can see this current is lagging behind the voltage by pi by 2 radian. It's a kind of statement we used in this phasor diagram. एक तरह का statement है कि जब तुम voltage को देख रहे हो, तो इधर गए तो बोल दो कि वो आगे चल रही है. कितनी आगे चल रही है? 90 चल रही है. और जब तुम current को देख रहे हो नीचे आ गए, तो पीछे चल रही है. कितनी? पाई बाई टू. ये तो बेसिक सा बात है कि एक आगे है तो दूसरा obviously पीछे होगा. बारा ही समझ में. ऐसा क्यों हुआ? तो क्या आपको ये डायग्राम याद है? सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज का कर्व ऐसा था और करंट का ऐसा था, ओनली फॉर रेजिस्टेंस.
But for inductor, it was like कि अगर ये voltage है, तो current ऐसे जाते हुए यहाँ पर इनके बीच में gap मिला था. Just because of that gap, we will say कि delta is equal to कितना है? Pi by root. अच्छा, अब अगर आपको दो समझ में आ गया होगा, तो आप तीसरा बता ही सकते हो. Only capacitor का graph कैसा होना चाहिए? Yes, it's the simple concept. ये fix मैं बार-बार repeat कर रहा हूँ. I और इस पर जो VC मिलेगा वो कहां पर मिल जाएगा? ये आगे नीचे. क्लियर है अच्छे से सभी को? कोई प्रॉब्लम? तो यहां पर हो गया VC. इसका डेल्टा कितना? माइनस पाई बाय 2. लिखने के लिए पाई बाय 2 लिख. अब बताओ कौन लीड कौन लैग? व्हिच वन इज लीडिंग? हु इज लीडिंग? वोल्टेज लैग. वोल्टेज लैग, वेरी गुड. वोल्टेज पीछे चल रहा है व्हाइल करंट लीड्स. अगर ना समझ पड़े तो मैं फिर से समझा दूं. जब मैं ऐसे चलता हूं ना, तो मैं बोलता हूं मैं आगे चल रहा हूं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और जब ऐसे चलता हूं तब क्या बोलते हैं हम? पीछे चल. तो देखो वोल्टेज पे आगे खड़े हो जाओ अपने आप को समझ लेते हैं. तो तुमको ऐसे चलना पड़ेगा. तो ये पीछे हो गया ना, ये पीछे हो गया. और जब मैं करंट के पास आगे खड़ा होता हूं तो इट्स लाइक आई एम लीडिंग. मैं लीड कर रहा हूं. तो कौन लीड कर रहा है? करंट. ऐसा क्यों है? क्योंकि वोल्टेज और कैपेसिटर के बीच में जहां पे डेल्टा पाई बाय 2 है, तो इसमें डेल्टा कितना हो जाता है? माइनस पाई बाय 2. क्लियर है यहां तक? तो ये ओनली इंडक्टर रेजिस्टर कैपेसिटर की बात हो गई. अब डिस्कस करते हैं कि फेजर डायग्राम फॉर एलसीआर. फेजर डायग्राम फॉर एलसीआर. और ये लास्ट ईयर गुजरात बोर्ड का क्वेश्चन भी है, 3 मार्क्स में आया हुआ है. देखो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए पहले एक नॉर्मल सर्किट बनाते हैं. This is your inductor, so a capacitor, and then resistor. And here we have a source voltage. What about the value? V is equal to Vm cos omega t. अच्छा dear student, अगर मुझे इसका graph बनाना है तो यहीं पे current है और ऊपर कहाँ है? Voltage. That is VL. और अगर capacitor की बात करो, current यहीं पे, voltage DC और इसपे यहीं पे current और यहीं पे वोल्टेज, दैट इज VR. जस्ट रिमेंबर द इंपेडेंस ग्राफ, उसे याद करने की कोशिश करो. और अब हम फेजर डायग्राम को चिपकाते हैं. फेजर डायग्राम एक लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हो गया पूरा आपका कैपिटल I. फिक्स यहां से यहां तक कर दो. इसी लाइन पे कौन है? VR. बताओ VL किधर आएगा? ऊपर आएगा. ये हो गया VL. और VC कहाँ आएगा? ये हो गया VC. पर यार उसमें ओमेगा L माइनस वन अपॉन ओमेगा C को प्लॉट करने के लिए हम ऐसा मान लेते थे कि ओमेगा L बड़ा है और वन अपॉन ओमेगा C छोटा है, तो उसको आप यहाँ कहीं रिप्रेजेंट करते थे. इन द सेम वे अगर आप ऐसा मानो कि VL बड़ा है, VC छोटा है, तो किधर आएगा? यहाँ कहीं पर. ये होगा VL माइनस VC. चमक गया यहां तक अच्छे से? तो ये होगा VL माइनस VC. ऑलराइट, नाउ यूज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड, जो ये कहता है कि आप इसके पैरेलल में यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दो लाइक दिस. अगर ये आपकी वैल्यू VR है यहां से यहां तक, तो और फिर यहां पर एक लाइन ड्रॉ करो. ये लाइन, ये क्या रहता था? डेल्टा. तो ये बताओ मुझे, ये लाइन हमें क्या दे रहा है? किसका? वोल्टेज का. क्योंकि वहां पर ओमेगा क्या था? इधर आर था, इधर क्या था? ओमेगा माइनस वन अपॉन सी. तो वो आपको दिया इंपेडेंस का मैग्नीट्यूड. अभी क्या है? वोल्टेज. वोल्टेज, सो वी विल गेट रिजल्टेंट वोल्टेज. क्लियर? सिंपल नेम दे दो ओ ए बी. और यहाँ पे क्या हो गया? सी. अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. समझिए कुछ भी नहीं है इसके अंदर. OB तो B का स्क्वायर, ऑलराइट. OA का स्क्वायर, दैट मींस VR का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, VL माइनस VC का होल स्क्वायर. कीप दिस फॉर्मूला इन योर माइंड बिकॉज़ वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन सो मेनी टाइम्स व्हेन वी रीड सीरीज रेजोनेंस बाय Q फैक्टर ट्यूनिंग ऑफ द शार्पनेस. प्लीज इसे याद रखना. V square is equal to VR square plus VL minus VC का whole square. Clear यहाँ तक? ठीक है, पहले हम इतना लिख लेते हैं. आप लोग notebook में लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं. Just stop the video.
स्टॉप राइटिंग देख लो आगे फिर लिखना मैं सिर्फ नहीं कर रहा All right. So we have a particular equation of voltage for LCR circuit that is V square is equal to VR square plus VL minus VC no whole square. If maximum current is flowing through that LCR circuit, यहाँ से maximum current चल रहा है. Suppose कर लिए maximum है तो IRMS भी हो सकता है because there is a relation IRMS equals to Im by root 2. यहाँ पे लिखता हूँ मैं if maximum current is flowing. इसकी जगह पर क्या आएगा वॉट वी कैन राइट फॉर दिस वी आर वॉट इज द फॉर्मूला वी ओम्स लॉ वी इक्वल्स टू आई आर तो वी कैन राइट नॉट आई आर बट इट इज आई एम इनटू आर यस यू कैन राइट आई आर एज इनटू आर बट वी हैव कंसीडर्ड दैट देयर इज मैक्सिमम करंट फॉर दिस वीएल बोलोगे इस वीएल की जगह पे क्या होगा आई एम इनटू एक्स एल कैसे एक्सएल हुआ सर आगे समझते VC is equal to क्या? IM into XC. इन सभी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है. So from equation one, you can consider this as equation number one. So V square is equal to VR का square. यानी क्या? IM square R square plus then we have VL minus VC. Then IM XL minus IM XC. It is whole square. डियर स्टूडेंट पूरे इक्वेशन से कॉमन क्या है आई एम इट इज नॉट आई एम यस दैट इज आई एम स्क्वायर रिमेनिंग आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और इधर है वी का स्क्वायर क्या इस वी को वीएम लिखना चाहिए क्योंकि आई आर एम एस चलता है तो वोल्टेज वी आर एम एस और अगर मैक्सिमम करंट है तो ये जो वोल्टेज है वी आर यूजिंग इट एज वीएम तो यहाँ पर वी की जगह पर वीएम हो जाएगा सो वी इज इक्वल टू वीएम Do not forget to write it. So Vm square. Now keep your Im subject. So Im square is equal to Vm square upon R square plus XL minus XC का whole square. जो student पढ़ा है अच्छे से उसको realize होना शुरू होगा सिर्फ कुछ नया थोड़ी है पहले जैसा ही है मैंने पहले ही बोला था session end होगा तो आपको realize होगा कि वही चीज है फर्क सिर्फ इतना है कि आप impedance को plot करते हो किस पे complex plane पे और फेजर डायग्राम में किसको प्लॉट करते हो वोल्टेज को बट एट द एंड ऑफ द थ्योरी वी गेट अ सेम आंसर ठीक है तो फॉर ओनली आई एम इज इक्वल टू व्हाट वी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर इन केस इफ आई नीड टैन डेल्टा देन टैन डेल्टा इज इक्वल टू हेलो इधर टैन डेल्टा इज इक्वल टू VL minus VC divided by VR. Just put the value. VL IM XL minus IM XC divided by IM into R. फिर से आपको एहसास होगा कि सर वही है. कट गया IM. Answer XL minus XC divided by R. And here we have tan delta. And at last delta is equal to what? Tan inverse XL minus XC divided by R. कुछ भी चेंज आया? सिर्फ तरीका बदला कि एक पे वोल्टेज रिप्रेजेंट करो और दूसरे पे क्या करें एक इंपॉर्टेंट लॉजिक जिसे आप अपने माइंड में बिठा के रखो व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग एन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फेजर डायग्राम क्वेश्चन ये है समझने की बात ये है कि सर ये तो था एलसीआर सीरीज सर्किट ठीक है कौन सा सर्किट है ये एलसीआर सीरीज सर्किट तो एलसीआर सीरीज सर्किट में जब मैंने ओनली इंडक्टर लिया ओनली कैपेसिटर लिया और एल्स आई हैव टेकन दैट ओनली रेजिस्टर तीनों में कॉमन डायग्राम में क्या दिख रहा है I सर्किट कौन सी थी सीरीज यानी सीरीज में क्या सेम होता है करंट तो जो चीज सेम होती है लॉजिक ये कहता है कि जो सेम होगा उसको आप हमेशा x एक्सिस पे प्लॉट करना x एक्सिस पे और वैरी किसको करना वोल्टेज क्योंकि वोल्टेज सीरीज में क्या होता है इसी का उल्टा करो When LCR are connected in parallel, क्या सेम होगा? Voltage. जो कहाँ पर आएगा? X side. Vary कौन करेगा? Current. लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जहाँ पे आप VL लिखते हो, वहाँ पर VL नहीं होगा. अगर VL ऊपर है, तो IL कहाँ होगा? नीचे. ऐसा क्यों? क्योंकि करंट और वोल्टेज के बीच में हमेशा शिफ्ट होता है. क्या? डेल्टा जितना शिफ्ट होता है, तो जिधर तुम
VL प्लॉट कर रहे हो वहां IL प्लॉट नहीं होगा, IL कहां होगा? नीचे, दिमाग लगाओ, जिधर VC है, VC कहां है? नीचे, इसे, तो इधर क्या आ जाएगा? इधर तो IL है, तो IC कहां होगा? ऊपर, समझ गए मैं क्या समझाना चाहता हूं, जिधर इंडक्टर उधर करंट वाला कैपेसिटर, जिधर कैपेसिटर वाला वोल्टेज है वहां इंडक्टर का करंट हो जाएगा, ये एक छोटा सा डिफरेंस, क्लियर अच्छे से? ऑलराइट, राइट डाउन, लिख लो।